तो दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर वाईफाई इनबिल्ड रहता है, यानी कि वाईफाई वहां पे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको केबल लगानी पड़ती है और केबल से नेट आपको कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके घर में वाईफाई है तो आपको केबल से कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब वाईफाई जो राउटर है राउटर से आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे केबल के थ्रू। लेकिन वाईफाई डायरेक्टली अगर आपको कंप्यूटर यानी सीपीयू को कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे बिना केबल का, इसके बारे में आज का वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेक्नोलॉजी भरा वीडियो कंप्लीट टेक चैनल पे। मैं हूं सतीश, स्वागत करता हूं आपका, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो मेरे चैनल पे और आप सीखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस, तो आपको करना होगा मेरे चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर को आपको बनाना है लैपटॉप की वाईफाई की तरह, मतलब कंप्यूटर में भी लैपटॉप की तरह वाईफाई इनबिल्ड होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक डिवाइस खरीदना पड़ेगा। एक छोटा सा डिवाइस है जिसका चार्जेस 200 से 300 के बीच में है और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, और उसे कैसे अटैच करना, उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना, उसका काम कैसे होता है, बहुत सिंपल है और आप समझ जाओगे। और उस डिवाइसेस को अगर आपको खरीदना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप खरीद सकते हो ऑनलाइन। अगर आपके एरिया में कोई ऑफलाइन शॉप है और वहाँ पे वो अगर कम रेट में मिल रहा है तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, तो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर चेक कर लेना, अमेजोन से वगैरह आप खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वो डिवाइस काम करता कैसे। दोस्तों ये है वो डिवाइस जिसका नाम है यूएसबी नैनो लैन डिवाइस, जिसके जरिए मैं अपने पीसी में वाईफाई कनेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे ओपन करके इसके अंदर क्या क्या मिलता है कैसे। ये तो छोटा सा डिवाइस है लेकिन इसके अंदर आपको एक सीडी मिलने वाली जो कि ड्राइवर पैक की रहेगी, इसका ड्राइवर रहेगा, यानी कि ये ड्राइवर अगर आप इंस्टॉल करते तब ये डिवाइस चलने वाला है। तो ये ड्राइवर की सीडी कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर एक यूएसबी जो मिल रहा है इसके जरिए हम लोग कनेक्ट करने वाले, तो इसे मैं अपने सीपीयू में कनेक्ट करूँगा। तो ये है वो USB डिवाइस जिसे मैं अपने CPU में कनेक्ट करने वाला दोस्तों, और जैसे मैं कनेक्ट करूँगा और ड्राइवर इंस्टॉल करूँगा तो मेरा PC वाईफाई के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं सीडी को इंसर्ट करूंगा मेरे ड्राइवर के अंदर, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर सेटअप, जिसे आप डबल क्लिक करोगे और रन करोगे दोस्तों। तो रन करने के बाद होगा क्या, यहाँ पे इस तरह से WLAN मीडिया ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आ जाएगा। इसमें बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी ये सेटअप मैंने इंस्टॉल किया है मेरे कंप्यूटर में, तो इसलिए मैं डायरेक्टली डेट्स के थ्रू इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। मैंने बस आपको सेटअप रन करने के लिए बोला है। रन करने के टाइम पे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल आएगा। फिलहाल मुझे आ रहा है प्रीवियस वर्जन इज फाउंड, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए आ रहा है, नहीं तो आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल करना है। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे दोबारा नहीं इंस्टॉल करूंगा। लेकिन मैंने इसे इंस्टॉल करने के बाद होगा क्या मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली PC रिस्टार्ट करना होगा इंस्टॉल करने के बाद। तो जैसे ये ड्राइवर टोटली इंस्टॉल हो जाता है, PC रिस्टार्ट करते हैं, यहां पे आपको नेट ऑलरेडी कनेक्टेड दिख रहा है क्योंकि मेरा केबल ऑलरेडी कनेक्टेड, तो मैं इस केबल को हटा दूंगा और मेरा USB पेन ड्राइव जो डिवाइस USB डोंगल है वो लगा दूंगा। तो डोंगल मैंने लगा दिया और केबल हटा दिया, तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, आप नोटिस कर सकते हैं हुआ क्या है। इस तरह से वाईफाई का सिग्नल, वाईफाई का जैसे आइकॉन आता है अपने लैपटॉप में वैसा आ रहा है, और मेरा यहां पे वाईफाई भी डिटेक्ट हो रहा है जो कि मेरा वाईफाई है। लर्न मोर YouTube चैनल, मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहां पे देना होगा पासवर्ड, और पासवर्ड देता हूं मैं यहां पे, चलिए। तो पासवर्ड देने के पहले मैं हाइड कैरेक्टर्स कर देता हूँ, मेरा पासवर्ड मैं आपको दिखाना नहीं चाहता दोस्तों, क्यों दिखाना चाहूँ भाई। ओके इस तरह से मैंने पासवर्ड दे दिया यहाँ पे, और ओके बटन पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, वाईफाई अपने PC में आ चुका है और विदाउट केबल, अभी मुझे केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना केबल के आपके कंप्यूटर में हम इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना रहता है, ये प्रोसीजर मैंने बता दिया, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये था वो USB डिवाइस जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर को यानी CPU को बना सकते हैं वाईफाई। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए लूंगा आपसे अलविदा, बाय बाय।